खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा रविवार को फूड मार्केट स्थित अनवर हुसैन एंड ब्रदर्स के फर्म और गोदाम पर कार्यवाही की गई और एक्सपायरी डेट की पेन खजूर के सैंपल भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर अनवर हुसैन फर्म द्वारा फ्रूट सामग्री का व्यापार किया जाता है। शिकायत के आधार पर फर्म पर कार्यवाही की गई। सूचना मिली थी कि काफी मात्रा में एक दो दिन छोड़कर पिन खजूर की बोरियां उतारी जा रही हैं। उक्त फर्म में अमन ट्रेडिंग कंपनी और नेशनल फूड कंपनी द्वारा पिन खजूर प्रदेश से बाहर से मंगवाए जा रहे थे। कुछ पैकेट पर फरवरी 2020 की पैकिंग डेट है, 8 माह पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। नई पैकिंग डेट नवंबर 2020 डालकर पिन खजूर को बेचा जा रहा था। एक्सपायरी डेट होने पर पिन खजूर के जांच के सैंपल लिए गए हैं। मैं नेशनल फूड कंपनी का प्रोप्राइटर मोहम्मद वासिफ बोल रहा हूँ। मैंने ये माल राजकोट से मंगाया है और राजकोट वाली पार्टी इसको इराक से मंगाती है और उसके थ्रू हमारे पास माल आता है। उसका हमारे पास पूरा GST भी लेगा और सबके ऊपर पैकिंग डेट्स लिखी हुई है। किसी की शिकायत के द्वारा सारे यहाँ आए हैं तो पूरा माल पूरा नीमच के अंदर जो माल है वो मेरे द्वारा नहीं बेचा गया है। यहाँ पे सूर्या वाला भी है, RS एजेंसी भी है, प्रवीण एजेंसी भी है, उन सब के द्वारा माल बेचा गया। अंदर एक डेट की स्लिप और लगाई गई है, डेट 6 महीने के बाद नई डेट लगाई गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो मेरे को किसी व्यापारी ने भेजा था कि ये बेचो, ये माल मंगाना है, तो वो सैंपल के लिए आया था, वो हमने माल मंगाया ही नहीं है। इराक से माल आता कंटेनर के अंदर ये कट्टे ऐसे कैसे पैक आते हैं, वहाँ से वो सामने वाली पार्टी हमें यहाँ भेजती है कमला ट्रेडर्स। अच्छा, आप इराक से माल मंगवाते हैं तो कैसे सूचना आपको? हम नहीं मंगाते, हम राजकोट से मंगाते हैं। गोडाउन मेरा बड़ा है, उसमें अलग अलग पार्टीशन है, उसमें आप देख सकते हो पूरा पार्टीशन में अलग अलग करा हुआ है। आज कलेक्टर महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये मामला सामने आया था कि फ्रूट मंडी के अंदर जो माल गोदाम है वहाँ पे 2 शटर लगे हुए हैं और उनके अंदर काफ़ी मात्रा में एक एक दो दो दिन छोड़ के वहाँ पे पिंड खजूर की जो है बोरियाँ उतरती हैं। तो सर के द्वारा निर्देश दिए गए कि आप एक बार जाके चेक करें कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है कोई। तो आज जब मामला संज्ञान में आया तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए आए और चेक करने में ये मालूम पड़ा कि अनवर हुसैन एंड फ्रूट कंपनी जो फ्रूट मंडी की एक बड़ी फर्म है, उनके द्वारा सामान्यतः तो फ्रूट्स का व्यापार किया जाता है लेकिन उन्हीं की सब्सिडरी एक अमन ट्रेडिंग कंपनी भी एक फर्म है और साथ में ही एक नेशनल फ्रूट कंपनी एक और फर्म है। तो नेशनल फ्रूट कंपनी के अंतर्गत जो है ये पिंड खजूर यहाँ पे लाए जा रहे थे और उन्होंने बिल दिखाए हैं नेशनल फ्रूट कंपनी के, लेकिन नेशनल फ्रूट कंपनी का अभी FSSAI का लाइसेंस नंबर जो है वो इशूड नहीं पाया गया है। तो विदाउट लाइसेंस जो है ये व्यापार संचालित होता हुआ पाया गया। और दूसरी बात ये देखने के लिए मिली है कि पिंड खजूर जो भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं उनके अंदर डेट्स के भी इशू आ रहे हैं, क्योंकि कुछ पैकेट ऐसे मिले हैं यहाँ पे जिनके ऊपर माने फरवरी 2020 की पैकिंग डेट है और 6 महीने की इसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखी हुई है। इसका मतलब 8वें महीने में ये एक्सपायर हो गए हैं और इसके ऊपर वापस से नई स्लिप लगा के नवंबर 2020 का माल जो है इसको बताया गया है, ऐसे कार्टून यहाँ पे मिले हैं। और इसके साथ में ही यहाँ पे इकरम और नाप के नाम से भी यहाँ पे डेट्स मिले हुए हैं जो 30-30 किलो के कट्टे के अंदर भरे हुए हैं जो कि इराक से लाना बताए गए हैं और कोई राजकोट की एक फर्म है जिसके द्वारा ये माल बेचा गया है, लेकिन विदेशों से आया हुआ कोई भी माल विदाउट इम्पोर्टर की डिटेल्स के इंडिया के अंदर नहीं आ सकता है। तो इसके अंदर भी यही अंदेशा है कि माल जो है वो बल्क में आया था वहाँ से और जिस इम्पोर्टर ने उसको ख़रीदा है उस पर विदेशों की थैलियाँ लगाने के बाद में इसको पैक करके यहाँ नीमच में बेचा गया है, क्योंकि बहुत सारे ये भी हो सकता है पुराने ही हो, क्योंकि इसमें ये देखने में मिल रहा है कि काफ़ी सारी बोरियाँ जो हैं उनके अंदर से पिंड खजूर का लिक्विड पार्ट जो है वो टपक के बाहर आ रहा है। इससे अंदेशा है कि हो सकता है ये माल पुराना हो और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में निर्मित किया गया हो और इससे स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकती है, इसलिए आज हम नमूने लेने के बाद में इस माल को अभी सीज करेंगे।